नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर सिंह और आज मैं अपने ग्राम सभा पड़ेरी से लाइव हूँ। जैसा कि आज एक खास इतना मकसद है, खास एक कुरियर आया है जिसकी वजह से मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि ये जनता तक पहुँचना चाहिए कि फ्राड, जो फ्राड शब्द है, सोचने में और कहने में तो बहुत सस्ता है लेकिन सोचने में बहुत बड़ा है। तो वैसा ही हमारे करीबी बोल सकते हैं, हमारा शुभचिंतक बोल सकते हैं, जिस प्रकार का घटिया काम उन्होंने किया है कि एकदम अभी क्या बोले कि किसी कुछ नहीं मिला तो अभी इस पे गिर गए हैं। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ये देख सकते हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम एक अच्छे कुत्तों का लिया जाता है लेकिन इंसान इंसान नहीं है, इसलिए उसका कुत्ते में गिनती करता हूँ। ये देख सकते हैं, और इसमें जो रजिस्ट्री आई है, बाई पोस्ट जो आया है, वो हमारे नाम से और हमारे भाइयों के नाम से आया था, जिसमें ये ब्लैंक पेपर, आपको बता दूं ये दोनों साइड में ब्लैंक पेपर है। फर्स्ट कुरियर, सेकंड कुरियर भी देख सकते हैं आप, नाम बकायदे दर्ज है। आपको इत्मीनान से बता रहा हूं कि फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये रजिस्ट्री है, सेकंड रजिस्ट्री, जिसमें लिखा हुआ है श्री प्रकाश सिंह यानी मेरे पिताजी के नाम से, और उसमें भी ये ब्लैंक। आपको बता दूं कि ये जो ब्लैंक कुरियर हुआ है मिर्जापुर के जो है कि डाकघर से हुआ है, पोस्ट ऑफिस से, और ये मैं आपको दिखा दूं, ये सेकेंड है, थर्ड है, सॉरी। अब उसमें आप देख सकते हैं डाक के कई वैरायटी होते हैं, कई प्रकार के कुत्ता लोग होते हैं, तो कुत्तों का नाम हम दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। और आपको बता दूं कि ये देखिए रजिस्ट्री, जो कि इसमें साफ तौर से लिखा है मेरे भाई साहब रामानंद सिंह का, आप देख सकते हैं, और उसमें भी ये देख रहे हैं ब्लैंक, कुछ लिखा होता, थैंक लिखा होता, वेरी गुड लिखा होता या सक्सेसफुल लिखा होता तो मुझे बहुत प्रशंसा होती है कि नहीं भाई, अरे ठीक है। आपको बता दूं कि ये लास्ट लास्ट है मेरे नाम से, आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, ये रजिस्ट्री है मिर्जापुर डाकघर से, और इसमें देख सकते हैं ये लगा हुआ है, ये ब्लैंक है। आपको बता दूं कि जो हमारे कछवा डाकघर के हमारे पनेरी का जो पोस्टमैन है वो गोलूपाल है, गोलूपाल के सामने हमने खोला तो उसने भी बहुत निंदा किया, बोला ये लोग जो ये भेजा है बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, बहुत ही घटिया प्रकार का आदमी है जो इस तरह का कर रहा है, ना जाने उसको क्या मजा मिल रहा है, लेकिन हमको तो कोई नहीं। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इसका कोई तात्पर्य निकलने वाला नहीं है, और हाँ डर होनी चाहिए, डर जब इंसान के अंदर होता है तो ऐसा ही काम करता है क्योंकि उसके पास और कुछ रास्ता बचता नहीं है। तो मैं आज के लिए इतना ही करूँगा, और हाँ सामने वाले को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, जल्द ही उसको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना बलवान होता है। कोई भी कितना बलवान होता है, जब उसकी गर्दन में रस्सी लग जाती है और उसको खूंटे से बांध दिया जाता है तो सारा बस चारों तरफ नाच के ही इंसान रह जाता है। तो वही प्रकरण चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हम तो एकदम प्रसन्न हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये ब्लैंक के लिए धन्यवाद कहूंगा कि हमको चार पेपर भेजा है कि हमारे किसी काम में आ जाएगा लिखने के लिए, तो 4 रुपया ऐसे खर्चा किया हमारे लिए, और रजिस्ट्री का तो जो भी है सरकार का भी फायदा किया। चलिए धन्यवाद।